नमस्कार कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे इस लाइफस्टाइल होम रेमेडीज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अपने इस वीडियो बताएंगे कि अगर कुत्ता काटे तो हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक सर्वे के मुताबिक यह बात सामने आई है कि प्रतिदिन किसी ना किसी शहर में कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमें इसके लिए स्पेशल इलाज कराना पड़ता है। पहले तो कुत्तों के काटने पर 14 इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, लेकिन अब 3 या 4 इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, क्योंकि कुत्तों के काटने से इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, जिस वजह से जान भी गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि हम हमेशा सही समय पर इलाज नहीं ले पाते हैं। इन्हीं सब वजह के चलते आज हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अपना कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। पहला उपाय, जिस जगह पर कुत्तों ने काटा है उस जगह को साफ पानी से धो लें। इससे जख्म पर बैक्टीरिया लगने का खतरा नहीं रहता। दूसरा उपाय, अगर कुत्तों के काटने से खून बह रहा हो तो उसे दबाना नहीं चाहिए, खून को थोड़ा बहने दे, इससे बैक्टीरिया बाहर निकल आते हैं। तीसरा उपाय, कुत्तों के काटने के बाद उस पर एंटीबायोटिक क्रीम लगाकर उस पर पट्टी बांधे, इससे बाहर मौजूद बैक्टीरिया घाव पर नहीं लग पाते हैं। चौथा उपाय, इन घरेलू उपायों के बाद आपको डॉक्टरी इलाज करवाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।